लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष की एक ही रणनीति थी, हर सीट पर बीजेपी को 1-to-1 टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। 2-3 चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा भी शुरू कर दिया, लेकिन एग्जिट पोल ने माहौल पूरी तरह से बदल दिया। एक दो नहीं बल्कि देश के सभी एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर चोट नहीं पहुंचा सके? विपक्ष जिन चुनावी मुद्दों को गेम चेंजर समझ रहा था उनका असर एग्जिट पोल के नतीजों में क्यों नहीं दिख रहा है? एग्जिट पोल में जो तस्वीर बन रही है उसमें चुनाव प्रचार के कौन से रंग झलक रहे हैं, देखिए पूरे चुनाव का निचोड़ हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है। रिजल्ट के बाद भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के नतीजों को हर चुनाव में आकलन करेंगे, हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। शनिवार शाम जैसे जैसे न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल के आंकड़े फ्लैश होने लगे, हर बढ़ते वक्त के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का जोश हाई और इंडिया के तेवर नरम होने लगे। करीब करीब एग्जिट पोल से साफ हो गया कि देश की जनता का जनादेश है फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन ताजुब है कि ऐसे जनादेश के बावजूद विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं से टीवी इंटरव्यू तक में बता चुके हैं कि क्यों देश उन पर फिर भरोसा दिखाएगा और क्यों विपक्ष को नकारेगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। वैसे विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं के दिल की धड़कनें अंतिम चरण के मतदान के पहले से ही बढ़ी हुई थी। उन्हें आभास हो गया था कि एग्जिट पोल क्या बताने वाले हैं, लिहाजा कांग्रेस ने एग्जिट पोल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। फिर इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई तो विपक्षी नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर वो एग्जिट पोल का बॉयकॉट करेंगे तो जनता इसे नतीजों से पहले सरेंडर मानेगी। जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे। इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल के बॉयकॉट की गलती तो सुधार ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि चुनावी मैदान में उससे क्या गलती हुई कि सारे एग्जिट पोल में विपक्ष की करारी हार और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की जा रही। विपक्ष शायद चुनाव परिणाम देखने के बाद इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद ही बता दिया कि विपक्ष के मुद्दों के शोर पर उनके जवाबों का जोर भारी पड़ने वाला है। हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे,
फटाफट 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 हमें जो करना है हम करेंगे। पैसा मैं ठका ठक ठका ठक ठका ठक डालूंगा। जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे तो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे गटा गट गटा गट गटा गट। जो बोला माहौल टना टन टना टन टना टन बीजेपी सफाचट 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 इंडिया महागठबंधन को वोट मिला ठका ठक ठका ठक ठका ठक। विपक्षी दलों के नेताओं का इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मंत्र था खटाखट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब परिवार की सबसे उम्रदराज महिला और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए खटाखट भेजने का वादा किया, जिसे वो चुनाव का गेम चेंजर दांव मान रहे थे। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खटाखट अंदाज में दिया। 16 मई 2024 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बता दो कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर? अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे। अडानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए। इंडिया अलायंस का बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी हथियार संविधान के नाम पर था। अपनी हर चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने लोगों को डराया कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी और संविधान बदलेगा तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अडानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष का संविधान और आरक्षण बचाने का दांव भी शायद नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसका जवाब भी मोदी पहले ही दे चुके थे। 12 अप्रैल 2024 बाड़मेर राजस्थान। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। विपक्षी गठबंधन की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी थी। कांग्रेस और आरजेडी के नेता आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने की चुनौती दे रहे थे। उनकी दलील थी कि देश में अमीरी गरीबी की खाई पाटने के लिए जरूरी है कि पता तो चले कि ओबीसी दलित आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की हैसियत क्या है। विपक्षी नेता 100 बार बोलकर वोटरों को आर्थिक असमानता का मुद्दा समझाते रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही बार में विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इस मुद्दे पर पीएम मोदी का जवाब एक तीर से दो शिकार वाला था। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। पीएम मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ा और यही हो गया खेल। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनने के बाद कांग्रेस को समझ में आया कि उसने बीजेपी को फ्री हिट दे दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास उधेड़ना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 2024 टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में
एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की। संविधान, आरक्षण और आर्थिक सामाजिक सर्वे, विपक्षी दलों के 3 ट्रंप कार्ड का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया, लेकिन उनके 2 ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जिनका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और शिवसेना जैसे उसके सहयोगी दल 2014 से ही नहीं दे पाए। पीएम मोदी की तरकश से इस बार जो पहला ब्रह्मास्त्र निकला उसका नाम है परिवारवाद की राजनीति। 6 मार्च 2024, बेतिया, बिहार। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी की तरकश से दूसरा तीर जो 2014 से ही हर बार सटीक निशाने पर लगता रहा है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान। विपक्षी दलों ने चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। यहां भी विपक्ष ने पीएम मोदी को मौका दे दिया। विपक्ष की एकजुटता को पीएम मोदी ने जनता के सामने करप्शन का गठबंधन के तौर पर पेश कर दिया। 6 अप्रैल 2024, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें विपक्षी नेता भी मान रहे थे कि पीएम मोदी की कोई लहर नहीं, तो जनता में उनसे कोई नाराजगी भी नहीं। ऐसे में चुनावी माहौल साख और सियासी समीकरण पर बनता बिगड़ता रहा। विपक्ष को अपनी लोक लुभावन घोषणाओं पर भरोसा था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के शासन में मुफ्त राशन से लेकर उज्ज्वला योजना और आवास योजना के जरिए अपनी साख बना रखी। सबका साथ सबका विकास वाली साख जो विपक्षी पार्टियों के चुनावी वादों के सब्ज बाग पर भारी पड़ी। कम से कम एग्जिट पोल का संकेत तो यही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर एग्जिट पोल के नतीजे 4 जून को सही हुए तो इस बार 130 सीटों वाले दक्षिण भारत में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। केरल और तमिलनाडु में कमल पहली बार खिलेगा। लगभग सभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि दक्षिण के इन दोनों राज्यों में इस बार बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के लिए ये एक तरह से दमदार प्रदर्शन होगा। एग्जिट पोल बताते हैं कि इस बार कर्नाटक से बाहर वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ इन दो राज्यों में चौंकाने वाली है। पूरब और पश्चिम और साथ ही उत्तर में बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में रही है। सिर्फ दक्षिण का किला बचा था जो तमाम एग्जिट पोल में इस बार पार्टी फतह करती नजर आ रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य साधना की यह तस्वीर सबने देखी। विवेकानंद रॉक पर ध्यान के दूसरे दिन उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दरअसल उगता सूरज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके का सिंबल है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस नहीं बीजेपी का सूरज चमक रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि कर्नाटक से निकलते हुए पूरे दक्षिण में कमल का ग्राफ इस बार के चुनाव में तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले तमिलनाडु का डेटा आपको दिखाते हैं।
टीवी 9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए को 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। माई एक्सिस के पोल में एनडीए को 2 से 4, इंडिया गठबंधन को 33 से 37, जबकि एआईएडीएमके को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर सी वोटर की बात करें तो एनडीए को 0 से 1, इंडिया अलायंस को 37 से 39, जबकि एआईएडीएमके को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एनडीए का वोट प्रतिशत 22.43% रहने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत 42.03 रह सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और प्रचार के आखिरी दिन भी वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही मेडिटेशन के लिए पहुंचे। तमिलनाडु से आगे चलते हैं केरल। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां भी बीजेपी इस बार चौंकाने वाली है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं यूडीएफ 16 और एलडीएफ 3 सीट जीत सकती है। माई एक्सेस का अनुमान है कि एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं यूडीएफ 17 से 18 सीटें लेकर नंबर 1 पर रहेगी, जबकि एलडीएफ के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। सी वोटर का पोल कहता है कि केरल में एनडीए को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 17 से 19 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि केरल में एनडीए का वोट 23% रहने का अनुमान है। सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस बार केरल में कमल खिलने वाला है। प्रचार के दौरान केरल में पीएम मोदी का पीपल कनेक्ट भी खूब दिखा था, फिर चाहे मलयालम में उनका भाषण हो या फिर लोगों से बातचीत का अंदाज। केरल और तमिलनाडु के बाद बचे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन तीन राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े जबरदस्त चौंकाने वाले हैं। कर्नाटक में जहां पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, वहां का डेटा बताता है कि लोकसभा चुनाव में सिक्का पीएम मोदी का ही चल रहा है और बीजेपी अपना यह किला बरकरार रखने में कामयाब होती नजर आ रही है। हालांकि उसे कुछ सीटों का नुकसान जरूर होता दिख रहा है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि माई एक्सिस और सी वोटर दोनों के एग्जिट पोल बताते हैं कि कर्नाटक में एनडीए 23 से 25 सीटें जीतने वाली है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 3 से 5 सीटें ही जाती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए 50.52% वोट ला सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन 43.56% वोट ला सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां महिलाओं को फ्री बस के अलावा कई लोक लुभावन स्कीम सिद्धरमैया सरकार चला रही है। चुनाव से पहले जानकार ये बता रहे थे कि कांग्रेस वहां बड़ा गेन कर सकती है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण का मुद्दा भी चुनाव में खूब उछला। जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन है, तब ये कहा जा रहा था कि चुनाव पर इस फैक्टर का असर हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि लोगों को मोदी पर ही भरोसा है। तहे दिल से धन्यवाद मोदी जी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, जबकि एनडीए जबरदस्त लीड लेता दिख रहा है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट का एग्जिट पोल बताता है कि राज्य की कुल 25 सीटों में 12 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा, वहीं YSRCP 13 सीटें जीत सकती है। आंध्र प्रदेश को लेकर माई एक्सिस का आंकड़ा चौंकाने वाला है। यहां एनडीए अकेले 21 से 23 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि YSRCP को सिर्फ 2 से 4 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। सी वोटर का भी अनुमान है कि एनडीए 21 से 25 सीटें जीत सकती है, जबकि जगन मोहन की पार्टी को 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एनडीए का वोट प्रतिशत 39.60% रहने का अनुमान है। किसी भी एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि एनडीए भारी बढ़त बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का TDP और जनसेना के साथ गठबंधन है।
अब चलते हैं दक्षिण के पांचवें राज्य तेलंगाना। यहाँ पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। सीएम रेवंत रेड्डी इस चुनाव को अपने 100 दिन की सरकार का जनादेश मानकर चल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक दिख रहा है। टीवी 9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की कुल 17 सीटों में एनडीए 7 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। बीआरएस प्लस और एआईएमआईएम को एक एक सीट मिल सकती है। माई एक्सेस के मुताबिक एनडीए को 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस यहां 4 से 6 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि बीआरएस और अन्य की संख्या एक जैसी हो सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में एनडीए और इंडिया दोनों को 7 से 9 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में एनडीए का वोट 41.46% रह सकता है। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे, 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे, 4 जून को तुष्टीकरण के समर्थक हारेंगे। साथियों, हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है, यहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या भारत करप्शन जैसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? पूरी ताकत से बताइए, बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? क्या भारत को लाखों करोड़ के स्कैम करने वाली पार्टियां आगे बढ़ा सकती है क्या? एग्जिट पोल के ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी दक्षिण भारत में बड़ा सरप्राइज देती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। 21 दिनों तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद आज केजरीवाल फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अंतरिम जमानत उन्हें दी थी, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई, लेकिन आज केजरीवाल की कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही भगवान का आशीर्वाद लिया, बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और फिर पार्टी कार्यालय से केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अपने कार्यकर्ताओं के सामने केजरीवाल जोश में दिखाई दिए। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर केजरीवाल का दिन कैसे गुजरा, क्योंकि उनकी अगली कुछ रातें जेल में गुजरने वाली हैं। कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? पांच सौ से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं 54 मिली हो, 58 मिली हो, 1 रुपया मिला हो। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर करते ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, लेकिन आज दिन भर अरविंद केजरीवाल अलग अलग वजहों से सुर्खियों में छाए रहे। दिन में केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जुटना शुरू हो गया। भगवंत मान, कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा, मंत्री इमरान हुसैन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। केजरीवाल ने घर पर ही आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। लेकिन आज ही केजरीवाल को जेल में सरेंडर करना था तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए, अपने बेटे को गले से लगाया,
और फिर भगवंत मान समेत कई नेताओं को साथ लेकर राजघाट की तरफ रवाना हुए। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। आप सामने जो गाड़ी है इसमें आप देख पाएंगे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए यहाँ पर आप देखिए अरविंद केजरीवाल हैं, उनके बगल में उनकी पत्नी है, और देखिए पीछे वाली गाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उसके पीछे तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, गोपाल राय आपको नजर आ रहे होंगे, उसके पीछे आप देखेंगे तो संदीप पाठक, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, तमाम जो मंत्री हैं जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर विदाई देने आए थे, साथ में छोड़ने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले दोपहर करीब 3:30 बजे राजघाट पहुंचे, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए, सिर झुकाया और फिर समाधि की परिक्रमा की। राजघाट के बाद केजरीवाल सीधे दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ रवाना हुए, यहां पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन किए और फिर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इसके बाद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ही केजरीवाल ने कहा कि उनकी दुश्मनी व्यक्ति विशेष से नहीं है और उन पर तो बजरंग बली का आशीर्वाद है। 4 तारीख को भी मंगलवार है, बली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली मेरे देश को बचा लो। इसके कुछ देर बाद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल पर 7 जून को सुनवाई करेगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में थे। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। रविवार 2 जून को तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब कोर्ट अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल पर 7 जून को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब उस विनाश की तस्वीर जो अमेरिका में एक बवंडर ने मचाया है। तेज तूफान आया तो अमेरिका के एक शहर में घर और गाड़ियां तिनके की तरह उड़ने लगी। घर तबाह होकर उड़ने लगे। तेज हवाओं ने एयरपोर्ट पर खड़े भारी भरकम विमानों को धकेलकर दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। तूफान ने कार को जबरन हाईवे से उतार दिया। दुकान, मकान, स्कूल, अस्पताल तहस नहस हो गए।
तबाही की यह तस्वीर अमेरिका के टेक्सस की है। यहां बवंडर आया तो हर तरफ विनाश का दहलाने वाला दृश्य नजर आने लगा। तूफान इतना तेज था कि उसके सामने जो कुछ आया तबाह हो गया। इस तस्वीर को देखिए, बवंडर ने इस शहर को खंडहर बना दिया है। अब यहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है। घर, गाड़ियां सब बर्बाद हो चुकी है। टेक्सास में ना सिर्फ तेज तूफान आया बल्कि जोरदार बारिश और बर्फबारी भी हुई। इस वजह से टेक्सास में आपातकाल लग गया। लोगों को चेतावनी देने के लिए काफी देर तक इस तरह से अलर्ट सायरन बजते रहे। तूफान तो चला गया लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। तूफान की वजह से सड़कों पर बर्फ की पतली चादर बिछ गई, इसलिए उससे गुजरने वाली तमाम गाड़ियां फिसल गई। तूफान की वजह से कई हादसे हुए जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। तूफान टेक्सास से तो चला गया है लेकिन अपने पीछे ऐसी तबाही छोड़ गया है जिससे जल्द उबरना आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।